So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y200 Pro डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर UI कलर सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस ये कैसे सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आप अपने कंट्रोल सेंटर के आइकन्स को कलर कर सकते हैं, इवन जो सेटिंग्स का आइकन है उसको भी कलर कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितनी बार आप वॉलपेपर्स को चेंज करेंगे उतनी तरीके के आपको प्रीसेट जनरेट होते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्रोल सेंटर इवन सेटिंग्स के अंदर। वेल गाइस इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर यूज करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, इसमें आना स्क्रॉल करके नीचे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर वाली सेटिंग्स पर क्लिक करना इस तरीके से। देन राइट साइड में देखेंगे थ्री ऑप्शंस रन कर रहे होंगे, थर्ड वाले को प्रेस करना कुछ इस टाइप से। एंड इसे हमने ऑलरेडी इनेबल करा और कलर हमारे देख सकते हो ग्रीन है, डार्क ग्रीन यहाँ पर है। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये सब बाय डिफॉल्ट जो कलर्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लू कलर आप देख सकते हो इस तरीके से। तो हमें इसे ऑन करना है। जैसे हम ऑन करते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारे प्रीसेट मिलते हैं जिसमें आपको ये सब प्रीसेट बाय डिफॉल्ट है, किसी को भी आप लगाना चाहें तो ऐसे करके लगा सकते हैं। यानी ये कलर्स आपको चेंजेस दिखाई देंगे। अभी देखो मैं इसको लगाता हूँ, अब हमारे ये कलर्स चेंज कर देगा, देखो कुछ इस टाइप का हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। इवन पिक कलर फ्रॉम वॉलपेपर्स है, इसने ऑटोमेटेड ही पिक कर लिया हमारे वॉलपेपर से, ये जो प्रीसेट है ये पिक किया हुआ है जिसको हम चाहें सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी कलर्स आप कर सकते हैं। और गाइज अगर इसको आइकन्स वगैरह को कलर करना है तो अप्लाई कलर टू आइकन्स है, इसको कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के आइकन्स बन जाएंगे, इसको करना मत, बाकी ये दोनों कर सकते हो। अगर बंद करना है तो सिस्टम एंड ऐप यूआई को ऑफ कर दोगे, एज अ बाय डिफॉल्ट फिर से आपका ये कलर्स हो जाएगा। आई थिंक समझे होंगे वाई कलर को एक्सेस कैसे करना था वीवो के Y200 Pro डिवाइस के अंदर।